हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सभी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिंबल्स एंड देयर मीनिंग। दोस्तों आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में दोस्तों बहुत सारे सिंबल यूज़ होते हैं और दोस्तों उस सिंबल्स का दोस्तों मीनिंग क्या है, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ड्राइंग सिंबल्स फॉर डोर। दोस्तों डोर के लिए मतलब दरवाजे के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अलग अलग डोर के लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले स्टैंडर्ड डोर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद बाइफोल्ड डोर है तो उसका सिंबल इस तरह से आएगा, और दोस्तों स्लाइडिंग डोर है तो उसका सिंबल दोस्तों इस तरह से होगा, तो वो स्लाइडिंग डोर होगा। पॉकेट डोर होगा तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। देन अकॉर्डियन डोर होगा, राइट, फोल्डेबल, वो दोस्तों इस तरह से होगा। डच डोर है, उसका सिंबल आप देख सकते हैं। फ्रेंच डोर का सिंबल दोस्तों इस तरह से होगा, और दोस्तों यहाँ पे जो स्विंग डोर है उसका सिंबल कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोर दिखाया गया है, डोर के ऊपर उसका सिंबल दिखाया गया है कि अगर ये टाइप का डोर है तो इस तरह से उसका सिंबल होगा। तो आपको ये जो सिंबल है उसको देख के डोर का जो टाइप है वो पहचानना होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास अलग अलग डोर के लिए अलग अलग सिंबल्स अवेलेबल है। उसके बाद सेकेंड अब बात करेंगे ड्राइंग सिंबल्स फॉर विंडो। विंडो के लिए दोस्तों कौन कौन से सिंबल्स ड्राइंग में यूज़ होते हैं, तो देखिए इस ये जो है ये ड्राइंग सिंबल्स है फॉर विंडो। जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं फिक्स विंडो सिंबल आप जानते होंगे। उसके बाद सिंगल केसमेंट विंडो है अगर है तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। वर्टिकल स्लाइडिंग विंडो है तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। डबल केसमेंट विंडो, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग विंडो, बे विंडो और दोस्तों डबल हंग विंडो, राइट। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के विंडो के लिए अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको यूज़ करना है, सिंबल के हिसाब से आपको विंडो को जज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों ड्राइंग सिंबल्स फॉर बेड। बेड के लिए दोस्तों कौन कौन से सिंबल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, आपको पता होगा दोस्तों अलग अलग टाइप से जो बेड है वो मार्केट में अवेलेबल है, राइट। छोटे से लेके सिंगल से लेके डबल तक बहुत सारी जो साइज़ के जो बेड्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कैलिफोर्निया किंग है, ओलंपिक क्वीन है, उसके बाद क्वीन फुल एक्सेल, फुल डबल ट्विन एक्सेल, ट्विन, राइट। इस तरह से दोस्तों अलग अलग है और इस हिसाब से आपको जो है बेड को जज करना है ये कौन सा टाइप का बेड यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद है दोस्तों ड्राइंग सिंबल्स फॉर जो हमारे फर्नीचर्स है उसके लिए दोस्तों कौन कौन से जो सिंबल्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो फर्नीचर भी दोस्तों हमारे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ड्राइंग सिंबल्स जो है फर्नीचर के लिए वो कौन कौन से है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो फर्नीचर सिंबल आपको दिखा है, सोफ़ा के लिए है, काउच है, लाइट लॉन चेयर है, स्टील, उसके बाद टेबल के लिए है, चेयर के लिए है, प्लांट के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, राइट। तो अलग अलग टाइप के सिंबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये है सारे सिंबल्स फॉर दी फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरल सिंबल्स फॉर सैनिटरी फिटिंग, राइट। सैनिटरी फिटिंग के लिए दोस्तों कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे देखिए शावर है, स्पा टब है, राइट, काउंटर टॉप है, कॉर्नर शावर है, कॉर्नर बाथ है, राइट, टॉयलेट है। इस तरह दोस्तों बहुत सारे सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कैबिनेट है, राइट। तो ये सारे जो सिंबल्स है दोस्तों हमारे जब भी हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग करते हैं, राइट, वहाँ पे ये सारे जो सिंबल्स है वो यूज़ होते हैं और इसको देख कर आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टाइप का सैनिटरी फिटिंग है, ठीक है। तो और भी है इसमें, राइट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए और है, जैसे कि बाथ टब के लिए राइट, डबल वैनिटी सिंक के लिए, कॉर्नर सिंक के लिए, राइट, डबल लाइट, सिंगल लाइट, राइट। इसमें सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्लम्बिंग पाइप फिटिंग सिंबल्स, राइट। प्लम्बिंग पाइप फिटिंग में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री बेंड है, कैप है, वे है, 45 डिग्री बेंड है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। रनिंग ट्रैप के लिए सिंबल अलग होता, पाइप गोइंग डाउन के लिए सिंबल अलग है, पाइप गोइंग अप के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंबल अलग है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सिंबल है जो आपको पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर जब भी आप ड्राइंग रीड करते हैं,
तब की बात है, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंबल्स है फॉर प्लम्बिंग फिटिंग। उसके बाद है ड्राइंग सिंबल्स फॉर मटेरियल। मटेरियल से दोस्तों कौन कौन से सिंबल्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो ये देखिए इस तरह से सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लास है, मेटल है, सैंड, टाइल, सिरामिक, स्ट्रक्चरल फेसिंग, ग्रेवल के लिए, प्लाईवुड के लिए, स्लेट, राइट। इस तरह से दोस्तों सारी चीज़ें आप देखिए, मार्बल है, रॉक है, स्टोन है, ठीक है। उसके बाद वाइट वायर मैश है, राइट, स्टील एंड आयरन है, राइट। उसके लिए सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको किसी इस तरह इसमें से कोई भी सिंबल देख के आप जज करना बहुत ही आसान होगा, अगर आपको ये सारे जो सिंबल्स है वो पता होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये अदर टाइप्स ऑफ सिंबल्स देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे कौन कौन से टाइप्स ऑफ सिंबल्स दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है। देखिए जैसे कि लाइट लैम्प के लिए है, साइट लाइट है, साइट लाइट दो टू है, कलेक्शन बॉक्स है, सिक्योरिटी गेट, सिक्योरिटी बूथ, राइट। उसके बाद बाइक रैक है, ट्रैश कैन के लिए दोस्तों अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे देखने को, फायर हाइड्रेंट के लिए सिंबल है, मैन होल ड्रेन, राइट, बेंच के लिए, राइट, डम्पस्टर के लिए सिंबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे सिंबल्स दोस्तों जो है हमारी ड्राइंग है उसके अंदर यूज होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीबी कॉन्सेप्ट, जिससे दोस्तों ऐसे ही दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे।